कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपनी मर्जी की दुल्हन और दूल्हे के साथ शादी करने के लिए, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है। यहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार को अपनी बेटी का निकाह करने के लिए एक दूल्हे की तलाश थी। बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी, साथ ही परिवार वालों की चिंता भी। बेटी अब 35 साल की हो चली थी, लेकिन अभी तक परिवार वालों को उनकी बेटी के हिसाब का दूल्हा नहीं मिल पाया था। वजह थी बेटी की कम हाइट। 3.5 फीट की बेटी के लिए उसके साइज का ही दूल्हा ढूंढना परिवार वालों के लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन लड़की वालों को अपने 3.5 फीट की बेटी के लिए उसी के साइज का दूल्हा मिला तो फटाफट रिश्ता पक्का कर दिया और बारात की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की तारीख आई तो अब दूल्हा बारात लेकर घर पहुंच गया और दोनों का धूमधाम से निकाह हुआ है। मामला मेरठ जिले के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के बड़े बाजार का है। यहाँ की रहने वाली इमराना 35 साल की हो चुकी थी, लेकिन शादी के लिए कोई दूल्हा नहीं मिल रहा था। इमराना की हाइट 3.5 फीट थी, इस वजह से उनके घर आए कई रिश्ते लौट चुके थे। इस दौरान इमराना के परिवार वालों को हापुड़ के रहने वाले इमरान इब्राहिम के बारे में पता चला। इमरान इब्राहिम की हाइट भी लगभग इमराना के जितनी ही थी। उनकी भी कम हाइट की वजह से शादी नहीं हो रही थी। 38 साल के हो चुके इमरान से इमराना का फटाफट निकाह तय हो गया। निकाह की तारीख आई तो इमरान बारात लेकर इमराना के घर पहुंच गए। लड़की वालों ने लड़के वालों की जमकर खातिरदारी की। इसके बाद इमरान और इमराना का निकाह करा दिया गया। क्षेत्र में सनोखी जोड़ी की खूब चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, दोनों के फोटो और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। कम हाइट की वजह से शादी न होने से परेशान दूल्हा इमरान अब बेहद खुश है। उनकी जोड़ी बन चुकी थी। इस बारे में जब दूल्हे से पूछा तो उसने बताया कि अपनी शादी को लेकर वह काफ़ी खुश हैं। हालांकि छोटे कद के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, लेकिन अब उन्हें दुल्हन मिल गई है, इससे वह अब काफ़ी खुश है। कि भाई की शादी आज कैसा लग रहा है और आपके भैया क्या करते हैं? भैया क्या करते हैं आपके? फ्रूट बेचते हैं। अच्छा, कितना समय लगा इस रिश्ते को मिलने में और क्या रहा, थोड़ा सा बताओ कैसे कैसे मिला आपको ये? रिश्तेदार मिल गई। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही थी? सब कुछ। आज कैसा लग रहा है आपके भाई की शादी है, थोड़ा शब्दों में बयां कर दो इसे। शब्दों में बयां कर दो, कैसा लगा? बढ़िया लगा। कहाँ से आई है बारात? हापुड़। हापुड़ से।